हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत। और फाइनली भैया, पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया यहाँ पे होने वाला है। मैं यार टेस्ट सीरीज का कैप्टन नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली टीम सिलेक्ट नहीं कर सकता। कैप्टन हमारे सलमान शील्ड्स भैया, और पिच सॉरी टीम बहुत ही नई है, ग्रासी हार्ड ट्रैक है। कुछ बातें करनी है आपसे। एक बार आई थिंक टॉस हो जाता है, उसके बाद करते हैं आराम से, अभी टॉस देख लेते हैं भैया। दोनों कप्तान वहाँ पे बिल्कुल तैयार, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स नए दिखे मुझे। टीम भी ध्यान से देखेंगे जब बैटिंग आएगी। तो इंडिया ने कहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। इंडिया ने हेड्स कहा था, लेकिन टॉस भैया इंडियन कैप्टन को ज़्यादा फेवर करता नहीं। केन विलियमसन वहाँ पे कैप्टन है और उन्होंने बॉलिंग ली है, तो हमारी बल्लेबाजी आ चुकी है भैया। चल गए, क्विकली शुरू करते हैं इस मैच को। तो चलिए, 9 मैचों में लगभग 59, लगभग नहीं पूरी 59 की एवरेज से खेले हम। 885 रन्स भी बनाए हैं। क्विकली स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो स्टार्ट अच्छा मिला, उसके बाद कप्तान सलमान शील्ड्स कुछ भी नहीं कर पाए। अनमोल प्रीत सिंह हमारे साथ खड़े हैं, तो देखा जाए यार, मयंक हो गए, नितिश राणा हो गए, जगदीश सुचेत, जयदेव उनाद का नाम है जो मैंने सुने हुए रियल में, बाकियों को मैं इतना जानता नहीं हूँ। तो ये तो स्कोर कार्ड है अभी तक का भैया। अब एक बात करनी है आपसे, वो ये है कि इस करियर मोड को काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, तो फाइनली मैंने एक चीज़ डिसाइड की है। मैंने 5 से 6 गोल्स अपने प्लेयर को दिए, जब वो गोल्स पूरे हो जाएंगे तो फाइनली भैया मैं रिटायरमेंट ले लूँगा इस करियर मोड से। डिपेंड करता है, अगर तो देखो नई गेम आ गई तो उसी दिन रिटायरमेंट है क्योंकि फिर उसका करियर मोड खेलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये 5 से 6 चीज़ें हो जाती है तो फाइनली भैया रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर नया करियर मोड खेलेंगे या क्या करना है उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन वो गोल्स क्या है, वो गोल्स बहुत सही है। पहला गोल, एज अ कैप्टन ODI और T20 वर्ल्ड कप जीतना, ये एक गोल है भाई। ठीक है, वैसे ये 2 गोल्स होने चाहिए बट मैं इसको एक में ही कर दिया, अभी चलो एक कर लेते हैं। दूसरा गोल आता है IPL ट्रॉफी जीतना एज अ कैप्टन, ये भी दूसरा गोल हो गया। तीसरा गोल, टेस्ट मैच में 200 रन्स बनाना। वैसे मैं 300 मारना चाहता हूँ, सच बोलूँ 300 मारना चाहता हूँ, लेकिन 300 मुझे लगा पता नहीं बनेंगे कि नहीं, तो मैं 200 के साथ भी खुश हूँ। एक डबल सेंचुरी टेस्ट मैच में मारनी है। अगला गोल है भैया 5 विकेट्स लेना इन एन इनिंग टेस्ट मैच में, क्योंकि वनडे में हम ऑलरेडी 5 विकेटें ले जा चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैच में अभी तक वो नहीं किया हमने। T20 में तो बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ करना, पर टेस्ट मैच में कर सकते हैं। और फाइनली भैया हमारा लास्ट गोल होगा कि एक T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी मारना, जो अभी तक नहीं मारी है। वनडे में भैया हमने 100 भी मार लिया है और 5 विकेटें भी ले लिया है। 200 रन मुझे नहीं लगता मैं मार पाऊँगा वनडे में, तो मैं ऐसा गोल खुद को देना भी नहीं चाहता। और बाकी मुझे लगता है आई थिंक ये बहुत ही अच्छे गोल है। जिस दिन ये सारे गोल फाइनली मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ये वाला करियर मोड बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले गोल, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसके साथ मज़ा आएगा। तो चलो, बातें बहुत होगी, शुरू करते अपना करियर मोड। इस सोडी गेंदबाजी कराएंगे और हम करेंगे बल्लेबाजी। नाइस बॉल इस सोडी, अगला ओवर लेके तैयार, और पहला रन हमारा आता हुआ यहाँ पे। बहुत ही अच्छी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं थी, लेट थे हम, पर एक रन आ गया, बहुत बढ़िया बात, शुरुआत हुई। दूसरी गेंद इस ओवर की, अभी तक सोडी ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई थी, लेकिन भैया यहाँ पे 4 रन जाएंगे। फाइनली हमारा भी पहला चौका आता हुआ। मेरे दिमाग में है कि 2 गोल्स यहाँ पे हम अपने कंप्लीट कर सकते हैं इस मैच में, होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, कोशिश जरूर रहेगी। अभी तो एक ही चौका लगा, ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में, बढ़िया चौका था ये भाई। कर क्या रहे हो, एक बॉल ओवर दी, एक बॉल अराउंड दी, खुद भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज किया हुआ है और मैं आउट हो गया। बहुत ही अर्ली खेल गया यार, कंट्रोलर नहीं फेंकना भाई, खराब हो जाएगा। 200 के सपने लेके बैठे हैं यहाँ पे, 10 रन दी मैंने, भाई 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 भाई, अच्छी बॉल थी, स्पिनर्स यार एक्सपेक्टेड नहीं थे, मुझे था यार पेसर्स की पिच है, बट जो भी है बुरी बल्लेबाजी हुई है। होपफुली सेकेंड इनिंग में रिकवर करे, लेकिन उससे पहले हमें बॉलिंग भी करनी है। दूसरी तरफ से हम आ चुके हैं, 9 मैचों में 19 विकेटें ली है, ठीक है, कुछ इतना खास नहीं है, 5 विकेटों की कोशिश आएगी। तो क्विकली भैया एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं हुआ क्या था। आई थिंक अच्छी बैटिंग की है इंडिया ने, 367 रन्स बनाए हैं और ग्रासी हार्ड ट्रैक पे ये अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। अनमोल भैया बहुत अच्छे खेले, 70 रन उन्होंने बनाए,
उसके बाद नितिश राणा जिनका डेब्यू मैच था 63, अखिल गोस्वामी 51 नॉट आउट, बढ़िया बल्लेबाजी हुई वहां पे। और अब ये दोनों ओपनर्स खड़े हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं गेंदबाजी। पहली गेंद स्ट्राइक पे यंग, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, और पहली बॉल पे सिंगल ले लिया उन्होंने। अटैकिंग मूड में लग रहे भैया वो। चलिए अगला ओवर आ चुका है हमारा, और वहां पे जयदेव उनादकट विकेट ले गए भैया लास्ट ओवर में। 33 पे एक हो चुका है न्यूजीलैंड। हमारा अगला ओवर, दूसरी गेंद, और क्या बॉल थी भाई, नाइस। चलिए अगली गेंद आती, ओ भैया नाइस नाइस। हमारा तीसरा ओवर आ चुका है वहां पे, स्ट्राइक पे यंग ही रहेंगे, अभी तक उन्होंने ही खेला हमें आई थिंक। खराब गेंद थी यार ये, लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर गए, अच्छा खेला उन्होंने, तंग किया उन्होंने शुरू में, लेकिन अब आई थिंक वो कंफर्टेबल हो गया काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा, 3 रन लेंगे यहाँ पे, केन विलियमसन अब हमें खेलेंगे। और इनर एच लगेगा, 4 रन मिल जाएंगे वहाँ पे, अच्छी गेंद। केन विलियमसन भैया के समझ नहीं आई, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा स्विंग यही वाली बॉल हुई थी, बाकी इतनी स्विंग नहीं हो रही थी। गलत बॉल, अंदर इन स्विंग कराई थी, बट आई थिंक लाइन सही नहीं थी, और रिजल्ट बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं। 4 रन मिलेंगे, विलियमसन बहुत आराम से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए वहाँ पे। चलिए 18 ओवर हो चुके हैं, हम अपना 6वां ओवर लेके वहाँ पे बिल्कुल तैयार है। गेंद तो अच्छी थी, सीधा ओ रन आउट कर मेरे भाई। तो हमारा अगला स्पेल आ चुका है, 6 ओवर 19 रन पहले स्पेल में दिए थे, और 123 पे 3, तो 2 नए बल्लेबाज आ चुके हैं। वैसे नए नहीं है, थोड़ी सी बॉलें खेल ली है उन्होंने, बट हमारे लिए नए हैं। अच्छा खेला पहली बॉल को, कोई रन नहीं मिलेगा भैया। निकोल्स और एलिसन, 7 ओवर 24 रन, विकेट कोई नहीं अनफॉर्चुनेटली। न्यूजीलैंड अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है भैया, जवाब बढ़िया दे रहा है हमारी बॉलिंग का, और ये अच्छा शॉट है। मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया मिड ऑन को वापस भेज दिया जाए, एक एज लगा था उस वजह से मैं काफ़ी आगे ले आया था, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है ऐसा एज लगने वाला है। ओके, तो वीकेस्ट स्किल है उनका ड्राइव, यानी कि उन्हें ड्राइव कराया जाए ऑफ साइड के पास निकोल्स भैया को। लेट्स ट्राई, ड्राइव कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद कोई विकेट मिल जाए। और भाई, हालांकि उन्होंने ड्राइव नहीं किया था, बट एज जरूर लगा है, कोशिश हमने वही की थी। अच्छी बॉल, एज लगेगा, 4 रन मिलेंगे उन्हें, किस्मत भी आज अपने साथ नहीं यार। तो लास्ट बॉल आ चुकी है इस ओवर की, एक चौका है बट एज का था, तो भैया ज़्यादा टेंशन नहीं, इस बार ड्राइव करेंगे भाई। ये तो वीक स्किल था ये तो वीक नहीं था भाई, ने चौका मारा बड़ा सॉलिड यार। चलिए अगला ओवर आ चुका है, इस बार एलिसन स्ट्राइक पे, एक बार इनका देखते हैं। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है उनका ग्लांस, वीकेस्ट है कट, तो कट करवाते हैं यार उन्हें, हल्की सी बॉल शॉर्ट रखेंगे ऑफ साइड पे ताकि वो कट करने जाए ऐसे। यार ये वीक है भाई, तुम्हारे जो वीकेस्ट स्किल है उस पर प्लेयर उल्टा अच्छा खेल रहा है, 4 रन और मार दिए। नहीं नहीं चौका नहीं, चौका नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पे, बट 3 रन तो आ गए। तो चलिए भैया लास्ट बॉल कराते हैं, निकोल्स भैया स्ट्राइक पे है, हमारा एक और ओवर यहाँ पे ख़त्म होता हो गया। अरे भाई कौन सी दुनिया में हो हमारे फील्डर भैया, आ जाओ वापस मैच पे, अलग ही दुनिया में खोए हुए यार ये, 4 रन भाग के ले लेंगे वो। तो तीसरे स्पेल के लिए आ चुके हैं, 9 ओवरों में 41 रन भैया, ना तो विकेट मिल रही है, और टेस्ट मैच के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि ये एक अच्छी इकॉनमी है, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया चल रही है भाई। 252 for 5, सिर्फ कितने रनों से ट्रेल है, 115 रनों से। ओके, लग रहा है लीड ले लेंगे, और ये तो आउट है यार, ये मुझे आउट लगे, वैसे शायद बाउंस बचा दे उन्हें, बट मैं रिव्यू के साथ जाने वाला हूँ इस बार। तुम तो भाई हर चीज़ को ही नॉट आउट दे रहे हो, ले ले रिव्यू, देखी जाएगी। मुझे काफ़ी क्लोज लगा, हाइट फैक्टर मुझे बस एक टेंशन दे रही है, बाकी तो आई थिंक अपना सही था ये। नो बॉल तो कहीं से भी नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी समझ आए कि कितनी बड़ी गलती की है मैंने। अब तो ऐसे लग रहा है बॉल बाहर जा रही है, चलो बैट तो नहीं लगा था,
पिचिंग इन लाइन है, एक चीज अच्छी है, इम्पैक्ट इन लाइन है, पर वो ऑफ साइड के बाहर चली जाएगी बिल्कुल। आई थिंक बाउंस भी फैक्टर जो मैं कह रहा था डेफिनेटली बहुत बड़ा है, अदरवाइज शायद विकेट्स को टच हो जाती, अंपायर्स कॉल शायद हो जाती, बट रिव्यू लॉस्ट होगा भाई। ओके नाइस नाइस। अरे यार ये बंदा पकड़ता क्यों नहीं कुछ, चौका नहीं देना भाई, तीन भी नहीं देने हैं, तेज भाग यार। क्या यार यो-यो टेस्ट कैसे पास करते हो तुम लोग, देखो ऐसे थ्रो मारते, आउट लग रहे भाई। वैसे मुझे क्रिकेट 19 में जब कुछ काम नहीं आता तब रन आउट ही काम आता है। ओके बट आउट है यार, आउट है, आउट है, बोलो 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 आउट। चलो रन आउट हो जाएंगे वहां पे, हेनरी निकोल्स 83 रन बना के, और मेरी अच्छी वहां पे फील्डिंग, वो तो स्लो भाग रहा था बंदा। टॉड एस्टल आए भाई 41 रन हाईएस्ट है उनके, तो मौका एक आधा विकेट मिल सके तो चलिए। लेकिन अभी स्ट्राइक पे टॉम लैथम 47 रन पे खेल रहे हैं, और भाई हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कि 50 हम मरवा के देंगे आपको, बात है कोई, ये लो गिफ्ट हमारी तरफ से, और उनके 50 रन पूरे हो जाएंगे बहुत ही आराम से। वो चौथा नहीं भागेंगे, 3 रन लेंगे, बट वो 47 पे थे, अच्छी 50 लैथम भैया की, 7 चौके 2 छक्के, बढ़िया बल्लेबाजी। 100 रनों से अभी भी न्यूजीलैंड पीछे है, और हमारा अगला ओवर आ चुका है। अब मुझे लग रहा है शायद भैया कुछ लीड इंडिया की बन जाए, लेकिन मेरी बॉलिंग को क्या दिक्कत हुई आज, लगातार लातों पे क्यों जा रही है यार, चौका जाएगा वहां पे, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, अच्छी बॉलिंग नहीं है, विकेट ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन ये लाइन ऐसी क्यों जा रही है आज। 13वां ओवर लेके हम तैयार, आज 8 ओवर बचे, पता नहीं दूसरा दिन है आई थिंक ये, जो भी है स्ट्राइक पे लैथम भैया, मुझे चाहिए थे एस्टल भैया। या भाई करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। चलिए भैया अगला ओवर आ चुका है, और आई थिंक कैप्टन भैया बस करो यार अब। किसी और से बॉलिंग क्यों करानी है, क्यों करानी है भाई। टॉम लैथम आउट होते हुए इस बार अराउंड भी आया था और विकेट मिल गया, बोल्ड हो जाएंगे, क्या बात है, जब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी उस टाइम पे विकेट मिल ही गया भाई, फाइनली टॉम लैथम भैया आउट होंगे 59 रन बना के। विकेट अच्छा था ये, काफी लेट आया, पर चलो विकेट मिला फाइनली भैया, और इस ओडी आया मौका ये कि विकेट्स लिए जाए टेलेंडर्स की, और कुछ दो तीन विकेटें तो अपने नाम करें यार। अगली बॉल स्ट्राइक पे इसोडी, उनकी पहली बॉल, ओ हो, बहुत क्लोज है ये, बहुत क्लोज है, नॉट आउट कहेंगे, और मैं रिव्यू नहीं लेने वाला क्योंकि यहाँ पे हाइट फैक्टर जो है भैया वो साथ नहीं देगा, मुझे पता है, एक बार देखूंगा जरूर, क्योंकि एक रिव्यू बचेगा और वो कहीं और काम आना चाहिए। तो पिचिंग इन लाइन थी, है इम्पैक्ट इन लाइन था, विकेट्स मिसिंग, वही बात आ गई भैया, हाइट फैक्टर जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही नहीं। चलिए फाइनली बल्लेबाजी का वक्त आ चुका है, होपफुली इस बार कुछ बढ़िया बल्लेबाजी हो। यार क्या चक्कर क्या, मुझे देखते स्पिनर क्यों ले आते हो तुम लोग, पेसर खेलना है यार, न्यूजीलैंड में खेलने आया हूँ, पेसर्स लाओ, क्या कर रहे हो भाई। मयंक अग्रवाल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं 71 रनों पे, और 312 पे फाइनली भैया टीम उनकी ऑल आउट होगी। ओके अब क्या पोजीशन है मुझे बताओ, 167 रन की ऑलरेडी हमारी लीड चल रही है, और तीसरा दिन ना बहुत ही बढ़िया, चलो शुरू करते हैं फिर बल्लेबाजी। ओहो क्या बात है, पेसर को देख के मेरी आंखें चमक उठी है भाई, मुझे तो लगा था इनके दर्शन ही नहीं होंगे, और दर्शन भी हुए, और पहली बॉल पे हमने सिंगल भी ले लिया उन्हें, बहुत ही बढ़िया, पहली बॉल पे ही खाता खोला अपना। बेल भैया के पास बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, मतलब इंजर होने की पोजीशन पे है वो, पर हम तो अच्छी वजह खासे स्टैमिना पे आए हैं, बहुत ही बढ़िया चौका, इसीलिए तो पेसर्स पसंद है यार, स्पिनर्स को खेलना इजी नहीं लगता। ये देखो क्या बढ़िया चौका लगाया, इसको कहते हैं क्लास। चलिए 27 ओवर हो चुके हैं, एस्टल भैया करेंगे कंटिन्यू अगले ओवर की पहली गेंद, और क्या शॉट लगा, टाइमिंग ऑसम आ गई मेरी उम्मीद से, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सही चौका लग गया यार ये तो, वाओ उम्मीद नहीं की थी मैंने, ओवर पिच बॉल थी और उसको बहुत ही बढ़िया चौका मारा, ये तो दोबारा देखूंगा। अगली गेंद
इस बार बढ़िया खेला है, दो चाहता हूँ मैं बट कोई बात नहीं, एक भी ठीक है। सोडी भैया लगातार दो वाइड्स कराने के बाद ये क्या था? चौका लग गया। भाई ये बहुत रिस्की शॉट था पर चौका अच्छा लगा, ये मानना पड़ेगा, पर शॉट बहुत रिस्की था ये। चलिए भैया दूसरी गेंद, सोडी भैया कंटिन्यू करेंगे। ओ हो, फाइनली मेरे बल्ले से लगा है स्वीप शॉट, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ क्या बताऊँ कि मैंने भाग के 3 रन ले लिया जहाँ पे 2 रन थे। ये कहाँ गया, मैं तो स्वीप मार रहा था। कई बार स्वीप आगे को भी निकल जाता है, आई थिंक यही वो दिन था जब स्वीप इधर को जा रहा है लॉन्ग ऑन की साइड को, 2 रन मिलेंगे अपने को, क्या टेंशन है भैया। और ये अच्छा शॉट है, 4 रनों की तरफ जा रहा है और चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बढ़िया चौका वहां पे, कब से इंतजार था ऐसे कोई बॉलर आए जिन्हें हम ऐसे ऐसे शॉट खेल सके, बढ़िया चौका, ये बढ़िया खेला भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐप निकलेगा बट निकल गया, 2 रन और मिल जाएंगे तो 2 बॉलें आज की बस बची है अब यहाँ पे। नेक्स्ट करियर मोड में ये मैच खत्म किया जाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में, करियर मोड के नेक्स्ट एपिसोड में। चलो 1 रन लेके यहाँ पे खत्म करते हैं कहानी को, और फाइनली यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ही ज्यादा, रुक जा भाई बॉल ही मत करा दियो। तो 35 पे खेल रहे भैया, थैंक यू सो मच, और टाइम बहुत कम है तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, कल नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया लाइक कर दीजिएगा भैया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।